कोडरमा जिले के सतगावा थाना क्षेत्र अंतर्गत सकरी नदी में दोस्तों के साथ नहाने के दौरान डूबने से एक लड़की की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार सौरभ कुमार चौधरी पिता स्वर्गीय मनोज चौधरी बीते दिनों गुरुवार करीब 3 बजे के लगभग अपने कुछ साथियों के साथ बाबा महेश्वर नाथ मंदिर घूमने के लिए गया हुआ था। उसी दौरान महेश्वर नाथ सकरी नदी में कुछ दोस्त के साथ नहाने लगा। नहाने के दौरान ज्यादा पानी होने की वजह से उसके साथी और सौरभ कुमार डूबने लगे। डूबने के दौरान उसके कुछ साथियों लोगों के द्वारा बचाया गया, लेकिन सौरभ कुमार चौधरी काफी खोजबीन के बाद कुछ पता नहीं चल पाया। यहाँ तक कि डूबने के बाद उसके घर परिवार के लोग माधोपुर मीरगंज तक जाकर गुरुवार को काफी खोजबीन किए, लेकिन सौरभ का कोई पता नहीं चला। आज सुबह जब सौरभ चौधरी का खोजबीन किया गया तो उसका लाश नारायण डी माधोपुर पुल के ऊपर डिग्री कॉलेज से कुछ दूरी पर दिखाई दिया, जिसके बाद उसके गांव के घर के लोगों ने उसकी लाश को लाकर उसके परिजनों को हवाले किया, जिसके बाद सतगावा थाना के द्वारा सौरभ कुमार चौधरी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए कोडरमा भेज दिया गया, जहां पोस्टमार्टम होने के बाद सौरभ कुमार चौधरी का दाह संस्कार किया गया। बता दें कि सौरभ चौधरी जो इंटर का छात्र था बासुड़ी +2 उच्च विद्यालय में पढ़ता था। सौरभ कुमार चौधरी के पिता मनोज चौधरी आज से 4 साल पहले देहांत हो चुके हैं। सौरभ कुमार चौधरी की माँ मशोमात बेबी देवी को 4 पुत्र हैं, जिसमें सौरभ कुमार चौधरी तीसरे नंबर पर हैं। मसूमात बेबी देवी के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। सौरभ कुमार चौधरी की मौत खबर सुनकर उसके गांव घर में मातम सा छा गया है। वहीं सौरभ कुमार चौधरी के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रमुख प्रतिनिधि रामावतार चौधरी, समाज सेवी मनोज चौधरी एवं अन्य समाज सेवियों ने राजनीतिक दलों, जनप्रतिनिधियों एवं जिला प्रशासन से आर्थिक स्थिति को देखते हुए आपदा विभाग से मुआवजे की मांग दिलवाने की मांग की है। वही मृतक की मां मसूमत बेबी देवी सतगावा थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं समाज सेवी मनोज भगत ने जिस स्थान पर घटना घटित हुई है उस स्थान पर प्रखंड प्रशासन से डेंजर जोन की बोर्ड लगाने की मांग की है, जिससे आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं घटित ना हो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज भगत हुआ। मनोज जी, ये बताइए कि कल इस जगह पर एक घटना घट गया है, एक लड़के का जो है से सुनते हैं डूबने से सकरी नदी में उसकी मौत हो गई है, तो क्या जानते हैं कैसे क्या घटना हुआ था? मैं देखिए वो मेरे ही गांव का था। अच्छा। और हम लोग का लड़के का क्या नाम था? सौरभ कुमार, पिता स्वर्गीय मनोज चौधरी। मनोज चौधरी के पिता स्वर्गीय राजेंद्र चौधरी जो उपायुक्त के ड्राइवर रह चुके थे। अच्छा। देखिए कल यहाँ पर बच्चा आया था घूमने के लिए, सौरभ कुमार नाम था उसका, उम्र लगभग 16 वर्ष था। अच्छा। वो शौच चला गया, शौच जाने के बाद निर्वित होने के लिए मतलब इस जगह पर गया जहाँ पर वो डूबा। अच्छा। तो है क्या उसको हम लोग मैसरवा दह बोलते हैं। मैसरवा दह। और मैसरवा दह बोलते हैं वो बरसात के दिनों में जब बाढ़ आती है तो किधर खाई हो जाता, किधर कितना पानी रहेगा उसका कोई अंदाजा नहीं। और 2 दिन पहले पानी आया और जिस जगह उसका पैर फिसला है, लोग बता रहे हैं बच्चे लोग कि वो मतलब शौच करके उठा और पैर धोने के लिए जैसे पैर बढ़ाया तो फिसल गया, और फिसल एक कदम के जस्ट बाद में बहुत तो पानी है, मतलब लगभग 8 से 10 फीट पानी है जो उसके लिए मतलब 1.5 कोसा पानी। उसको तैरने के लिए नहीं आता, उसको तैरने के लिए भी नहीं आता था, वो मतलब पानी में डूब गया। लोग बच्चे लोग प्रयास भी कर रहे किए बचाने के लिए, लेकिन वह वो मतलब पता नहीं चला और बहते चला गया। लास्ट में ग्रामीण को पता सूचना मिला, ग्रामीण लोग बहुत से आए, मतलब 2-4-500 की संख्या में, मरचोज से भी लोग आए, बाजार से भी लोग आए, हमारे गांव से भी लोग आए, लेकिन शाम तक पता नहीं चला। अंधेरा हो जाने के बाद में किसी को और भी नहीं पता चल पाया। तो आज सुबह 7 बजे माधोपुर पुल के मतलब आसपास में गायत्री मंदिर के सिमाने में एक छतरी के छोटा पानी था, वहाँ पर हाथ देखा गया तो सब लोग दौड़ करके गए तो पता चला कि ये वही बच्चा का है बॉडी, फिर उठा करके लाए। ये पोस्टमार्टम के लिए अभी गया हुआ, अभी तक दाह संस्कार नहीं हुआ। हम मांग करना चाहते हैं प्रशासन से कि का आपदा के तहत इसका उचित मुआवजा मिले, और मैसरवा दह तर
एक कोई प्रशासनिक स्तर से कुछ ऐसा हो जो कि रोक लगे जाने से, ताकि आए दिन बच्चे इस जगह जो घटना हो जा रही है या जाएगी, इसके लिए कोई रोकथाम के लिए कुछ उपाय किया जाए। प्रशासन मतलब इस जगह पर जागरूक लोग, हाँ जागरूकता होना चाहिए, जागरूक लोगों को करे कि इस जगह पर आकर के क्योंकि देखिए उस स्थल पर नहा करके और पूजा जल लेकर के भी लोग जाते हैं। अब अनजान कहीं के बाहरी लोग आ जाएंगे और उसको पता नहीं चलेगा, एक कदम जो ही बढ़ाएगा तो ही पानी में डूब जाएगा, तो आगे भी घटना हो सकती है, आगे भी घटना घटने की हाँ संभावना संभावना है, इसलिए कि पानी वहाँ बहुत ज्यादा है। आप बता रहे थे कि इसके पहले भी हाँ इससे पहले भी मतलब यहाँ कई घटना हो चुका है, बहुत पहले पहले से सुनते आ रहे हैं, 20 साल पहले मेरा भाई भाई है इस जगह मतलब इसी कर्म में मतलब एक्सपायर कर गया, डूब वो गया। जो लड़का था क्या करता था वो, मतलब अभी मतलब वो घर पर 11वीं का छात्र था, वो वो पढ़ाई, पढ़ाई अभी हाँ कर रहा था 11वीं का छात्र था, पढ़ाई पढ़ाई। कर रहा था, घर का अपना पिताजी ने रहने के कारण वो सारा घर का देख रहा वही लड़का का जो जिम्मे में बोल अरे सकते तो हैं। मनोज चौधरी जो ठीक कर गए हैं, स्वर्गवास हो गए हैं, तो उनको कितना लड़का था? उनका चार लड़का था, एक चार तीसरा लड़का नंबर था, का था, ये तीसरा नंबर का लड़का था, मतलब इंटर गए कॉलेज, इंटर में यहाँ हाँ पढ़ रहा था मतलब बासोठी। 11वीं में वो मतलब पढ़ रहा था। प्रशासन से जैसे यहाँ के और भी जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों और लोगों से क्या मांग करना चाहेंगे? हम सभी लोगों से आग्रह यही करेंगे कि उस परिवार को हम लोग दुख के इस विराट दुख के समय में क्यों, सुनने में आया कि उसके घर में अभी जो है कोई कमाने कमाने वाला नहीं, वाला कोई नहीं कोई है। नहीं कमाने वाला, और उसकी विधवा माँ सबसे ज्यादा त्रस्त तो उसकी विधवा माँ है, उस पर क्या गुजर रही होगी सो तो वही जानते हैं और भगवान जानता है। मैं यही कहूंगा कि जो अथा संभव हो, सरकारी मदद हो या और कोई मदद हो, उस परिवार को लाभ मिले, मैं यही मांग करना चाहता हूँ, यही सबों से आग्रह करूंगा, इस पर सब मिलकर विचार करें और उनको सरकारी लाभ दिलाएं। धन्यवाद मनोज। धन्यवाद।